तो भाई देखिए बारिश किस तरीके से हो रही है माशाल्लाह, कि सामने का पहाड़ और जो तो फोर्ट है पूरा ढक चुका है बादलों के बीच और कंटिन्यू बारिश फास्ट चली रही है और बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे औरंगाबाद में बारिश बहुत कम देखने को मिलती है ये देखिए, और मौसम भी बड़ा सुहाना है। ऐसे मौसम में बड़ा ही मज़ा आता है, बारिश हो रही है और आप ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते जा रहे हैं, और साथ में हमारे क्राइम पार्टनर मोहम्मद। इधर देखिए अपने मुंडी पलटाइए, कौन हाँ दोनों खुल्लाबाद घूमने के लिए आए हुए हैं। खुल्लाबाद ऐसे घूमते गाड़ी में बैठे बैठे, क्योंकि एटमॉस्फेयर का मजा लेना है यार, उसी लिए आए हैं और दूसरी कोई बात नहीं। ये ब्रेजा वाले को ठोक दो, हाँ हाँ ठोक दो उसको, सचमुच मैंने ठोकने का था, मजाक से कहा है, सचमुच में ठोक दो किनारा तू रेस कर। मौसम चेक कर यार आप लोग, किस तरह से हसीन मौसम हो चुका है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, और क्या बड़ा ब्यूटीफुल सा नजारा लग रहा है, बारिश और साथ ही साथ पहाड़ पूरे फॉग के अंदर ढके हुए, वाकई में मजा आ रहा है। दिल कर रहा है गाड़ी से उतर कर बाहर जाकर एंजॉय करें, पर ऐसा नहीं कर सकते, बारिश बड़ी तेज हो रही है, भीग जाएंगे। क्या बोलते हो मम्मा, चलना है बारिश में बाहर? क्या हो रहा है यार, चले जाएंगे, चल भीगे तो भीगे यार, बारिश का मजा उसमें ही है, भीगे तो भीगे कोई मसला नहीं। महाबलेश्वर में अपने पास जैकेटें थे, मैगा थे, हाँ नहीं हम हीरो नहीं बन सकते। हीरो नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते हीरो? यारी उड़िया था मैं तो उड़ जाएगा तू, तुझे पकड़ लूंगा यूं करके, नहीं मम्मा तुझे उड़ने नहीं दूंगा। और देखो गेट में भी किस तरह से पानी जमा हो गया है यार, ओफ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, सामने देखो एक झरना भी चालू है, इसे कहेंगे वाटरफॉल। देखिए कई सारे वाटरफॉल स्टार्ट हो चुके हैं पहाड़ के ऊपर, और हमने तो भाई औरंगाबाद में रहते हुए फर्स्ट टाइम ये ऐसा वाटरफॉल देखा है, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है, पहली बार देखने को मिला अपने को, फर्स्ट टाइम देखने को मिला, क्योंकि बारिश बड़ी तेज हो रही है उस वजह से। विंडो को डाउन करके देखेंगे, और ये देखिए यहाँ से सब वाटरफॉल्स चालू है, और पानी काफी सारा कार में अंदर आ जा रहा है, ये देखिए फर्स्ट टाइम लाइफ में इस पहाड़ पे से हम पानी ऐसा बहते हुआ देख रहे हैं, ये तो कभी हमें ऐसा नसीब नहीं होता। और इस विंडो को बंद कर देंगे यार, ये देखो एक और एक बड़ा वाटरफॉल, ये देखिए ये भी उससे बड़ा वाटरफॉल। तो विंडो को बंद कर देंगे, देख सकते हैं अब पानी काफी आ चुका है गाड़ी के अंदर। ये देखिए एक और एक मैला वाटरफॉल नाम दिया है मोहम्मद साहब ने इसे, मैला वाटरफॉल। अबे क्या वाह, नीचे तो देखो शहर पूरा ढक चुका है फॉग से, कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओ भाई बहुत यहाँ का सीन देखिए, यहाँ का सीन देखिए, यहाँ का सीन तो बड़ा मजे का है, कंटिन्यू वाटरफॉल्स चालू है यहाँ वहाँ से, ये देखिए लोग फोटोज ले रहे हैं, पर ये बेवकूफ़ी ना करे अबे गिर जाएगा, अरे टकले नीचे उतार, ये देखो इसको भी देखो, ऊपर से बारिश हो रही है और वो फाउंटेन झरने के नीचे जाके नहाने की क्या मतलब होता है यार, क्या बेवकूफ लोग से। इस मौसम में दिल बोलता है गरम गरम चाय और पकौड़े हो जाए, देखिए यहाँ पर कितना रश है चाय और पकौड़ों की दुकान पे। और एक औरंगाबाद की खासियत है 10 रुपये की चाय पीने के लिए वो 300 रुपये का डीजल और 150 रुपये का पेट्रोल वेस्ट करके आते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम लोग 10 रुपये की चाय पीने इरफान गोल्डन पे। और यहाँ सामने देखिए बारिश की वजह से पूरा हजूम जमे हुआ है लोगों का, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे मुंबई कैफ़े पे आगे और वहाँ जाके कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन मोहम्मद साहब हमारे को कॉफ़ी पिलाएंगे वहाँ पर। मुंबई कैफ़े आ गया है यहाँ पर जाना है, देखो गाड़ी जहाँ जमती है वहाँ लगाओ। हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया, हमारी कॉफ़ी हो रही है वहाँ रेडी, और ये बना रहे हैं पिज़्ज़ा बेस, और देख सकते हैं यहाँ पर बारिश कुछ इस तरह से हो रही है कि बैठने के लिए भी जगह खाली नहीं है और लोग बैठे हुए, पर यहाँ पर अंदर टेंट्स में पानी आ जा रहा है, तो हम यहीं बैठ कर खड़े खड़े कॉफ़ी पी लेंगे और चले जाएंगे आगे। मोहम्मद कहाँ गायब हो गया क्या पता, ये आया कहाँ चल गया तेरे? अच्छा
लौंडे की मौत चल रही है, गरम 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 कॉफी और स्नैप के साथ में एंजॉयमेंट चालू है। जाओ भाई भाई बिल्कुल जाओ, पिज़्ज़ा लेके जाओ मोहम्मद। तो ये 100 वाली कॉफ़ी पिला दिया स्टारबक्स बोल के, ये गलत है ना? हाँ अभी ये चाहती भाई कैसा जबरदस्त सीन हो रखा है, एकदम फॉग यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है पहाड़ों पे से, ऐसा ऐसा क्लियर हो रहा है और बारिश भी कम हो गई और ऐसे मौसम में कॉफ़ी पी के बड़ा मज़ा आ गया है कि नहीं लौंडे? लौंडा जवान हो गया हमारा। हाँ तो भाई बड़ा दिल कर रहा है कि महाबलेश्वर तो घूमने चले जाए, देखते हैं बातचीत चालू है आपस में क्या बनता है प्लान, देखते हैं क्योंकि अभी हम दो तो रेडी है पर शोजेब की छुट्टियों की प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले रहे। अगर इफ इन केस उसका नहीं होता है तो हम दोनों चले जाएंगे। चलना है ना अपन दोनों यहाँ जाने का? हाँ यहाँ ऐसे जाके आएंगे ना लोगों के पास के नहीं चलने इधर, वो मैं बोल रहा था ऊपर जाते तो ऊपर गेस्ट हाउस के कोने में, गेस्ट हाउस के कोने में जाते हैं। ओके वो वहाँ पे ना बहुत भारी झरना है। ओके भारी झरना है गेस्ट हाउस के पास ऊपर, महसमाल नहीं जाएंगे, 5:30 हो रहे महसमाल जाके मत। अरे 5:30 ही छोड़ यार, ऐसा लग रहा कितना टाइम हो गया। हाँ समझ में नहीं आ रहा एकदम टाइम, तो चलो चलते हैं अभी गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस के बाद इससे पहले आप लोग भी गए हुए मेरे सब गेस्ट हाउस और जो नए ज्वाइन हो रहे हैं तो उन्हें भी औरंगाबाद गेस्ट हाउस पता चले जाएगा। ये है खुल्लाबाद के अंदर औरंगाबाद गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, यहाँ पर लोग आके गवर्नमेंट के लोग रहते करते हैं, हॉलीडेज के लिए जो भी आता है यहाँ पर साइट सीइंग के लिए या एक्सेट्रा कोई भी काम के लिए तो वो आके यहाँ पर स्टे करते हैं। और बड़ा ही बेहतरीन बारिश हुई, दिल खुश हो गया ऐसी बारिश में, अल्लाह ऐसी बारिश दे खैर खैर आफियत वाली, किसी का जान और माल का नुकसान ना हो किसी का भी, है कि नहीं? ना तो टीनों उड़े आते दुकानों को, दुकानों का नुकसान, टीनों का नुकसान और लोगों का कारोबार हो गया है ठप और सामने आ गई है दरगाह। तो अभी चलते हैं हम उधर और देखते हैं क्या सीन है और क्या नज़ारे है। ओके गेस्ट हाउस के पास और यहाँ पर काफ़ी क्राउड है, पूरी फैमिलीज के साथ लोग आए हुए हैं ईद के मौके पर, देखिए ऐसे खेल रहे कर रहे हैं सब अपने अपने फैमिलीज के साथ, यहाँ अपना अपना खाना पैक कर कर लेकर आते हैं सब और यहाँ बैठ के खाते हैं। और ये अपने जान पहचान के भी काफी लोग नजर आ रहे हैं और अभी हम नीचे चलते हैं वहाँ पर, उधर नहीं उधर जाने। हाँ तो उधर नीचे ही तो जाना है ना अपने को सीधी। ओके ब्रो आई एम टेकिंग जस्ट चिल, इसको देखो। हाँ शाह रीड्स के पास से आगे कहाँ डालेंगे मेरी जान, जगह नहीं है ना। अबे तो गाड़ी नहीं जाएंगी ना अपनी, हाँ एक्सेस हटाओ तो एक्सेस हटे बाद जाएगी अपनी गाड़ी, गाड़ी निकलती थी थोड़ा मजा लेना पड़ता है उसको। अरे गाड़ी गिरा दिया उसने। चलो काय के लिए थक रहे रे पैंपू कर करके, चल बैठ। कैसे कैसे गाड़ी गिर गई, साइड स्टैंड हट गया था क्या उसका? चल हाँ तो फॉग खत्म हो गया ना, अपन लेट हो गया आने में। कितनी देर से तो नीचे चले जा रहे हैं और कितना नीचे जाना है पता नहीं, ये देखो इसका स्नैप बनाना ख़त्म ही नहीं होता। अबे चल जल्दी सनलाइट ख़त्म हो जाएगी। नीचे यहाँ पर कुछ ना कुछ खेल चालू है, ये अभी होना उसको और थोड़ी बारिश आगे यहाँ पर कोई तो भी नीचे बैठे हुए, कैसे अलग ही स्मेल आ रही है। चलते जा रहे हैं अब नीचे और अगर झरने पे पानी नहीं रहा तो तेको मैं मारूंगा मोहम्मद, मैं तेको मारूंगा। गया तू उसको मारना है अपने को।
अरे पत्थर लगा पत्थर। अरे झरने पे पानी नहीं, सिर्फ कुत्ता नजर आ रहा है, कुत्ता यहाँ पर। बहुत मार खाएंगा तू, तू गया, तू तू गया, तू तू गया बेटा, तू रुक जा, मेरे को आराम से आने दे, गया तू। अबे साले इतना थका दिया झरने पे, चलो पानी है पानी है पानी है। अबे काय का पानी है बे इधर, जान तो कोई बात नहीं, इतनी बार तेरे को माफ किया बेटा। बहुत ज्यादा हो जाएगा, मत डाल पानी, बादलों की आवाज आ रही है। मोहम्मद तेरा पानी होने ना दबा, ये मत वैसा मत कर, गिर जाएगा। तेरा पानी होने ना था, ये कुत्ता तो कितने गौर से देख रहा अपने। तो ए इधर चला, लाल पत्थर किसका है इधर। गया बेटे तू, गया जबरदस्ती का लेकर आज, चलो झरने पे, चलो झरने पे बोल के। हाँ अबे नहीं भरता, अबे तेली ये देख मच्छर कैसे भुर 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 कर रहे तेरे सर के ऊपर। देख इधर आ, बड़े भाई इधर, झरना कब भर जाए, ये झरना कब भरेगा बड़ी भाई, ना यारी झरना कब भर जाए, नाराज बात नहीं करनी है। कुछ है भी नहीं यार, बिस्किट विस्किट भी नहीं है। चल चला, चल चल चल, वो नहीं आने का, चलो ये क्या आग भी है ना। अरे एक 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 टूट गया यार उसका, लेने का नुमान को बोलेंगे बना दे बोल के, इतना खेगड़ा क्या खाने में मजा आएगा। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है और बारिश रुक गई है, तो बारिश रुकने के बाद गर्म बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर ऑलरेडी हीट रहती है इतने दिनों से, तो उसकी जो भाप रहती है वो निकलती है, तो उससे और अब देख सकते हैं आप स्वेटिंग कितनी हो रही है मुझे। और हम निकल रहे हैं अब घर की तरफ, और ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ आपका, ब्लूटूथ कनेक्ट करो तब ये ऑन होगा गाना। चलो चलते हैं अब घर की ओर, फिर घर से जाना भी हमें बाहर लेकर फैमिली को हमारी। और नीचे पूरा ट्रैफिक जाम है, और जाते टाइम जिस किले की बात कर रहे थे वो देखिए अब किला नज़र आएगा ये झाड़ों के बाद, तो पूरा फॉग के अंदर दिख ही नहीं रहा था, आप देख सकते हैं अब आप लोग सामने हैं, और घाट भी पूरा जाम हो चुका है। हाँ अपन क्या करेंगे, ऐसे उतर के अंदर से वहाँ चले जाएंगे, वो पीछे के रास्ते से, हाँ साइड पे जाते थे ना अपन, वहाँ वैसा चले जाएंगे। देखिए हाँ याद आ गया ना, वो रास्ता, वो रास्ते से चले जाएंगे। तूने कहा था ये रूठेंगे कभी, चलो बस हो गया, सारे गामा पानी चालू है, ये देखेंगे। और अभी भी काफी ज्यादा बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, और हल्की हल्की चालू हुई है बारिश। बड़ी जंग करके हम इस इंटीरियर के रोड से आ गए हैं, और वहाँ से बड़े मुश्किल से ट्रैफिक में से गाड़ी क्लियर हुई है। अब ये यहाँ से ऐसा पूरा लंबा राउंड मार के हम मेन रोड को लग जाएंगे, हाईवे को। ये थोड़ा एक पास 5-7 kilometers का लॉन्ग रूट होता है, लेकिन उधर ट्रैफिक में अटकने से अच्छा लॉन्ग रूट अख्तियार कर लिए, तो सेफ्टी रीजंस के लिए हम आ गए यहाँ। वहाँ जाओ उतनी देर वहाँ ट्रैफिक में फंसे रहो तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए ये रोड से आ गए। डीजल कंजम्पशन कम होता है इसके लिए ये रूट से आ गए। चलते हैं अब आगे आगे, वहाँ से निकल के अब हम आ गए सिगड़ी रेस्टोरेंट, अब चलते हैं सिगड़ी में खाना खाने के लिए, और आयरा को साथ में लेकर आ गए हम यहाँ पर आज शाम का डिनर के। वही खाने में तो चना लहसुन पापड़ और नूडल्स, और ये आयरा नूडल्स खा रहे हैं, और ये हमारे आ गया मेन कोर्स, और ये बड़े गार्लिक नान और अंगारे चिकन, ये खाते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह,
और ये ले लिया रोटी, स्टार्ट करेंगे।